नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2,926 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट सभा पटल पर रखा। सोमवार को अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि पेंशन मद में 620 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में जमकर बवाल किया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2,926 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट सभा पटल पर रखा। सोमवार को अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि पेंशन मद में 620 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद ऊर्जा विभाग के लिए 588 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग के लिए 518 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग के लिए 231 करोड़, गृह कार्य और आपदा विभाग के लिए 208 करोड़, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 172 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 188 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड विधानसभा का सत्र सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज का पूरा दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया। पूरे दिन सदन में जेपीएससी का मुद्दा छाया रहा। आसन के समक्ष नारेबाजी से विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बेहद नाराज हो गए। स्पीकर ने कहा कि नंगा विरोध मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध करने का भी एक तरीका है। जनता के सवाल सदन में नहीं आ रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।